क्लास 10th के प्यारे बगुआ लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगुआ लोग, हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगुआ लोग। किसका? बायोलॉजी का, है ना। तो हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हमारा ये तीसरा वीडियो होगा बगुआ लोग, है ना। तीसरा वीडियो होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, है ना। उसका आज तीसरा वीडियो होगा, थर्ड वीडियो होगा, है ना। आज हम लोग चलेंगे 201 से 320 तक का क्वेश्चन बगुआ लोग। एक ही चैप्टर में आपको 320 क्वेश्चन दिया गया था, इसको हम तीन टुकड़ा में बनाए हैं, ना। और पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बगुआ लोग, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग चलते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 201, है ना, ध्यान से बनाइएगा बगुआ लोग। कहता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। यानी छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगुआ लोग, क्या होगा पहले, है ना। तो सही ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा, चाइल कहा जाता है, चाइल, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा बगुआ लोग। तो चलिए 202 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 देखिएगा बगुआ लोग। कहता है 202, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा बगुआ लोग, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 देखिए बोलो। कहता है सीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बताइए। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम होती है, है ना, बहुत कम होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। कहता है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, फ्लोएम, फ्लोएम में पाया जाता है बगुआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 205 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 205 कहता है प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, लगभग कितना, तिकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, यानी दस लाख, लगभग दस लाख होता है बगुआ लोग, है ना, नेफ्रॉन की संख्या लगभग दस लाख होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं। कहता है प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक नए प्याले जैसी रचना क्या है, है ना। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बोमाइन संपूट, है ना, बोमाइन संपूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपको, है ना, फाइब्रिनोज, ये भी सही है, है ना, प्रोथ्रोमिम्बन, है ना, प्रोथ्रोमिम्बन ये भी सही है, हिपाइरिन भी सही है। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा सही बगुआ लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 208 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 कहता है कि फुफ्फुस सिराएं हृदय के किस बेस में खुलती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाया आलिंद में, है ना, बाया आलिंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखिए। कहता है सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, फाइब्रो, है ना, फाइब्रिनोजिन रहित, फाइब्री, है ना, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 देखिए बगलो। कहता है
कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ होती है बगलो पाचन क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 211 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 211 कि दंत है ना अस्थिति क्षय का कारण है। दंत अस्थित है ना स्थित अस्थित क्षय का कारण है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही बगलो। इनमें से सभी है ना मीठे चीज का खाना, मीठे चीज से भी आपका दंत खत्म होता है, दांत टूट जाता है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, इसके कारण भी दांत आपका क्षय हो जाता है, टूट जाता है। दांतों की सफाई ना करना, इसके कारण भी आपका दूट है ना दांत टूट जाता है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देखिए। कहता है ब्रिक का भीतरी है ना नतोदर सतह क्या कहलाता है? ब्रिक का भीतरी है ना नतोदर सतह क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइलम है ना, हाइलम ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 213 देखते हैं। कहता अमीबा का मुख्य भोजन हो है ना अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन है, तो क्या है यहाँ पे बगलो सही ऑप्शन? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है ना शैवाल के टुकड़े, इसको भी खाता है अमीबा है ना। डायटम एवं एकोस्कीय जीव, इसको भी खाता है। फिर बैक्टीरिया, इसको भी खाता है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 214 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 214 कि एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है, तो कितनी होती है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 70 से 80 प्रति मिनट है ना, 70 से 80 प्रति मिनट, मैंने एक मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 देखिए। कहता है प्रोटीन तथा है ना अमीनो अम्लों के विघटन के फलस्वरूप निर्माण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी है ना अमोनिया का भी निर्माण होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है, यूरिक अम्ल का भी निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 216 कि अल्ट्रा है ना फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना ग्लोमेरुलस में ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 देखिए बगलो। कहता है 217 कि सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपन्न होती है, तो कहाँ होती है बगलो? कहाँ कहते हैं ना सामान्यतः है ना उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपन्न होती है, कैसे होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, साथ साथ होती है। कैसे होती है? तो साथ साथ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 218 देखिए। कहता पौधों में गैसों यानी CO2 एवं O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, रंध्रों से भी होता है और है ना बात रंध्रों से भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 219 देखते हैं है ना। देखिए 219 कहता है मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना अस्थि मज्जा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 220 देखेंगे। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 220 कहता है श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक है ना एंटीबॉडी का स्राव करता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा है ना
लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, कहता है मूत्र वाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है, मूत्र वाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइलम से, हाइलम से, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 222 देखिए, कहता सामान्यतः है ना ग्लोमेरुलर, है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्न में कौन नहीं उपस्थित होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एल्बुमिन, है ना एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 223 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 223 के, है ना डायलाइजर में प्रयुक्त प्रयुक्त है ना सेलोफेन नामक रचना होती है, तो कैसी होती है बगलो किसकी। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंशिक है ना पारगम्य, आंशिक पारगम्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 224 देखिए, कहता है अग्रमहा शिराएं तथा पश्चमहा शिरा कहाँ खुलती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दाया आलिंद में, दाया आलिंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं बगलों, देखिए 225 कहता है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किससे है ना किसे होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल वर्णकों को, क्लोरोफिल वर्णकों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 देखते हैं बगलो, देखिए कहता है 226 कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में, किस में होता है बगलो तो पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 227 कहता है उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी यानी रक्त भी है, हृदय भी है, रक्त वाहिनियां भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, कहता है जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है, तो कैसी होती है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, धीमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 229 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है, कहता है कि 229 मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बगलो, ऑप्शन नंबर बी होगा, 120 दिनों की, है ना 120 दिनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 230 देखिए, कहता है श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा है ना डी हो जाएगा बगलो, बी और सी दोनों, यानी जल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, कहता है इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना फाइब्रिनोजीन, फाइब्रिनोजीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 232 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 232 कि निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज को, किसको बगलो ग्लूकोज को। चलिए 233 देखिए, कहता है झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, गिल्स द्वारा, है ना गिल्स द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 देखिए, कहता है फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दाया है ना नीलाय से, दाया नीलाय से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 235 देखते हैं बगलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 235 कहता है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका मुख से, है ना कोशिका मुख से। चलिए क्वेश्चन नंबर 236 देखिए, कहता है इनमें कौन मनुष्य के है ना
मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 237 देखिए, कहता हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 200 देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 238 कहता है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाया निलय का, है ना, बाया निलय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 239 कहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में, है ना, पुराने जाइलम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 कहता है, केंद्रक विहीन रक्त पट्टिकाओं की मानव में जीवन अवधि होती है, तो कितने दिन होती है बगलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक सप्ताह की, है ना, एक सप्ताह की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 241 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 241 कहता है, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, अस्फिमो मो, है ना, मोनोमीटर, एस, है ना, एस्फिगमो, एस्फिगमो, है ना, मोनो, मोनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 242 कहता है, पौधों में खाद पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित निम्नांकित किसके द्वारा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोएम के द्वारा, है ना, फ्लोएम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 243 देखिए, कहता है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधों किस रूप में करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आयरन के रूप में, है ना, आयरन के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 244 देखते हैं बगलो, देखिए 244 कहता है, मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 245 देखिए, कहता है, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, इरिथ्रोसाइटस, इरिथ्रोसाइटस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 246 देखिए, कहता है, इनमें कौन साधारणता मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्रेट, है ना, सोडियम नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 देखते हैं, कहता है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य, है ना, जीव द्रव्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 248 मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा से, है ना, मुख गुहा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 249 कहता है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 250 देखिए बगलो, देखिए कहता है 250 कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीभ की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 कहता, मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डायाफ्राम, डायाफ्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 252 देखिए, कहता, निम्नांकित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स, है ना, गिल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 253 देखेंगे बगलों, देखिए क्वेश्चन नंबर 253 कहता है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुटपाद द्वारा, है ना, कुटपाद द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 कहता है, एस ए
है ना, एस ए नोड यानी इसको बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर, है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड है, बताइए क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 255 देखिए बगलो, कता प्रकाश संश्लेषी इकाई है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, है ना, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे बगलो, देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 256 देखिए क्या कहता है। कहता है ना, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बायां आलिंद निलय छिद्र पर, बायां आलिंद निलय छिद्र पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 कहता है, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम ब्रिक का, है ना, कृत्रिम ब्रिक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 258 मानव हृदय के बेसमों का, है ना, शिथिलन कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, डायस्टॉल, डायस्टॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 259 देखेंगे बगलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 259 कहता है कि बोमैन संपुट एवं, है ना, ग्लो, है ना, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, मैलपिगियन कोश, मैलपिगियन कोश ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखिए बगलो, कहता है पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 कहता है चलनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चलनी नलिकाओं के बीच, चलनी नलिकाओं के बीच। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, कहता है सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ऑप्शन नंबर ए। चलिए 263 देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है, तो क्या है बगलो इसका मुख्य उत्पाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। चलिए 264 देखिए बगलो, कहता है लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, पायरोटिड, है ना, पायरोटिड्स ग्रंथि, पायरोटिड्स ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 265 देखिए बगलो, कहता है 265 में कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्ष में, वृक्ष, है ना, मनुष्य के प्रत्येक वृक्ष नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, तो कितनी होते हैं बगलो। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 मिलियन, यानी 10 लाख, ने बताए थे पिछला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आ चुका है, 10 लाख यानी 1 मिलियन ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 266 देखिए, कहता इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पीत, है ना, पीत मौजूद नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 267 देखिए, कहता है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत की लंबाई बगलो सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 268 देखिए, कहता है 268 लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो, इनमें सभी का अनुभव होता है, यानी
लाल रक्त कणिकाएं का भी अभाव होता है, रक्त है ना पट्टी कानों का भी, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का भी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, है ना, इनमें सभी का अभाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं। बोलो कथा निम्नलिखित है ना, निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देखिए। कथा ऑक्सीजन युक्त वायु है ना वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। बोलो इनमें सभी के द्वारा, नहीं रंध्रों के द्वारा भी होता है ना, अंतर कोशिकीय स्थानों द्वारा भी होता है, बात रंध्रों द्वारा भी होता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 271 देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 271 कि रक्त है ना परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर दो बार गुजरता है, इस तरह के रक्त परिसंचरण को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, द्विगुण परिसंचरण, द्विगुण परिसंचरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 272 देखिए। कहता हृदय धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सही बगल लोग है ना, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी, एस ए नोड भी कहा जाता है ना, साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहा जाता है, पेस मेकर भी कहा जाता है, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो हम लोग 273 चलेंगे। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 273 देखिए। कहता है पादप कोशिका में उपस्थित कोशिका रस का है ना परासरण दाब भूमि जल के दाब से क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। बोलो क्या होता है? तो अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 274 पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है बोलो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 275 देखते हैं। बोलो देखिए 275 क्या कहता है। कहता है आमाशय की दीवार में होने वाला घाव जरा बोलते हैं है ना पेप्टिक अल्सर है ना, निम्नांकित में किसके अत्यधिक श्राव से हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अम्लीय श्राव से, है ना, अम्लीय श्राव के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 276 देखिए। कहता है मनुष्य में नासिका विषम का सबसे छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रघ्रां, है ना, प्रघ्रां या फिर प्रकोष्ठ, है ना, प्रघ्रां या प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 277 देखिए। बोलो कहता है कि पादपों में खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में संवहन होता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्लो एम के द्वारा, है ना, फ्लो एम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 278 देखिए। बोलो कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों जैसे CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 279 देखते हैं। बोलो कहता है कि पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 280 देखिए बोलो, कहता है जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल दाब, है ना, मूल दाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 281 देखेंगे बगलो, देखिए कहता है 281 कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवायवीय श्वसन के द्वारा, है ना, अवायवीय श्वसन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 282, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल बाष्पोत्सर्जित करता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी 100 गुना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 283 देखते हैं बगलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 283 क्या कहता है, कहता है सभी धमनियों में ऑक्सीजनित शुद्ध, है ना, ऑक्सीजनित यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका अपवाद है, क्या है अपवाद है इसका, देखिएगा बगलो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, फुफ्फुस धमनी, है ना, फुफ्फुस धमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 284 देखते हैं, कहता है पक्षियों में वर्ज नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी यूरिया अम्ल, है ना, यूरिया अम्ल। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 285 देखते हैं, कहता है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, एटीपी, एटीपी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 286 देखते हैं, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 286 कहता है बच्च गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली गुंबद के आकार की रचना कहलाती है, क्या कहलाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए डायाफ्राम, डायाफ्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, कहता है नासिका बेस्म की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह रचना को क्या कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी कांची, है ना, कांची। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 288 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 288 क्या कहता है, कहता है रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हृदय चक्र, है ना, हृदय चक्र। देखिए बोलो 289, कहता है एक अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के विसरण की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रसरण, है ना, प्रसरण, प्रसरण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 290 देखेंगे बगलो, देखिए कहता है 290 कि ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी किण्वन कहलाती है, बोलो क्या कहलाती है, किण्वन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 291 देखते हैं, कहता है आणविक ऑक्सीजन के, है ना, उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, लैक्टिक, है ना, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 292 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 292 कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बगलो, इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी यानी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी, टूटे फूटे उत्कों की मरम्मत, शरीर की वृद्धि। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 293 देखिए, कहता है मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वाद कलियुग,
स्वाद कलियों से, है ना, स्वाद कलियों से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 294 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 294 कहता है, नग्न, है ना, नग्न बीजी पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य निकायें, है ना, बाह्य निकायें। चलिए क्वेश्चन नंबर 295 देखिए, कहता है महा, है ना, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को कहते हैं, क्या कहते हैं बगल लोग? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रक्तचाप कहते हैं, ना, रक्तचाप कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 296 देखिए बगल लोग, कहता है, है ना, प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में किस रचना की भूमिका होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी की, यानी 12 जोड़ी पसलियों की, है ना, डायाफ्राम की, उदर पेशियों की, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 297 कहता है, वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्वसन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 298 देखिए बोलो, कहता है, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन, है ना, श्वास नली में नहीं जा पाता? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, एपिग्लोटिक्स के कारण, एपिग्लोटिक्स के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 299 देखेंगे बगल लोग, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 299 कहता है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 300 देखिए बोलो, कहता आहार नाल में क्रमाकूचन को दर्शाने वाले स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संकुचन, है ना, संकुचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 301 देखिए बगलो, कहता है 301 कि पचे हुए भोज पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 302 देखिए, कहता है बाएं निलय के अगले भाग को दाएं कोने से निकालने, है ना, निकलने वाले महाधमनी को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाधमनी चाप, है ना, महाधमनी चाप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 303 देखते हैं, देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 303 देखिए, कहता है रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बगलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्छ्वास, है ना, उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 304 देखिए, कहता है अमाशय में अधपच्य भोजन के लेई की तरह के, है ना, स्वरूप को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काइम, है ना, काइम बोला जाता है बगलो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, ना 105 कहता है, 305 कहता है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा बगल, इनमें से सभी, यानी पीतरस की भी भूमिका होती है, है ना, अग्नयाशी रस का भी होता है, आंत्र रस का भी होता है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 देखिए, कहता पौधों के द्वारा स्थानांतरण में निम्नलिखित में किस भौतिक बल की अहम भूमिका पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन का भी और मूल दाब का भी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 307 देखते हैं बगलो, कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा
वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 308 देखिए, कहता है निम्नलिखित पदार्थों में सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 309 देखते हैं बगलों, देखिए क्वेश्चन नंबर 309 कहता है कि ना ब्रोमाइन संपुट में अवस्थित रक्त कोशिकाओं के जाल को घेरने वाली रचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है जी, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 310 देखिए, कहता है स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी यूरिया, है ना, यूरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 311 देखिए बगलो, कहता है 311 कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी दंत प्लाक, है ना, दंत प्लांक ऑप्शन नंबर डी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 312 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 312 देखिए, कहता है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि में कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भीतीय कोशिका का, किसका बोलो लोग, तो भीतीय कोशिका का ऑप्शन नंबर ए। 313 देखिए, कहता है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह के दौरान रक्त को रक्त वाहिनियों में जमने से रोकता है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हीपाइरिन, है ना, हीपाइरिन। चलिए 314 देखिए बगलो, कहता है 314 के पौधों में स्थानांतरण की क्रिया में निम्नलिखित में किस क्रिया की अहम भूमिका होती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो, वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 315 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सी रक्त किण्वन, है ना, कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ल्यूकोसाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 316 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 316 कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के किस व्यूह में इकट्ठा होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 317 कहता है उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सही है, इनमें सभी सही है, यानी कह सकते हैं क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के किसी हानिकारक होते हैं, हाँ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होता है, यानी इनमें सभी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा बोल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 318 देखिए, कहता है कि त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है, त्रिदलीय कपाट कहाँ स्थित होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए दायां आलिंद निलय छिद्र पर, दायां आलिंद निलय क्षेत्र छिद्र पर। 319 देखिए बोलो, कहता रक्त एक तरल, है ना, संयोगी उत्तक है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी उत्कों का संयोजन करता है, है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 320 देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 320 कहता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व है।
तो इसका महत्व है बगल लोग, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, यानी जल स्थम को है ना अक्षुण बनाए रखने में, पौधों में तापमान संतुलन बनाने में, जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करने में, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बगल लोग आज का हम लोगों का चैप्टर का है ना 320 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बगल लोग, जो हमने है ना तीन पार्ट में बनाए हैं बगल लोग, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में है ना बना है। आपको ये मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे तीनों पार्ट मिल जाएगा, और बायोलॉजी का और भी ऑब्जेक्टिव है ना सारा चैप्टर वहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे बगल लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। यहाँ पे आपको सब विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिलेगा बगल लोग, घबराना नहीं है, है ना। और आपकी कोई भी फरमाइश है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।